मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के हृदय स्थल जय स्तंभ के पास स्थित पेट्रोल पंप को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया गया सील। रीवा जिला न्यायालय के आदेश पे इस पेट्रोल पंप को इसके पूर्व भी एक बार सील किया जा चुका था, लेकिन संबंधित पक्ष हाईकोर्ट चला गया था, वहां से इनको कुछ दिन के लिए राहत मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पेट्रोल पंप को एक बार फिर से सील कर दिया गया है। एसडीएम रीवा की ये कार्रवाई नगर निगम के सहयोग से की गई है। जय स्तंभ स्थित पेट्रोल पंप उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एसडीएम रीवा के द्वारा किया गया सील। ये पेट्रोल पंप इसके पूर्व भी जिला और सत्र न्यायालय रीवा के द्वारा एक बार पहले भी सील किया जा चुका था, उसकी खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। उसके बाद संबंधित पक्ष हाईकोर्ट चला गया था, वहां से भी इनको कोई भी राहत नहीं मिली, जिसके चलते जिला प्रशासन ने नगर निगम के सहयोग से पेट्रोल पंप को एक बार फिर से सील कर दिया। बकायदा एक बोर्ड लगा दिया, इसमें लिखा हुआ है अपील क्रमांक 1625/2022 में पारित आदेश 5 जनवरी 2023 द्वारा अपीलांट की अपील निरस्त हो जाने से यह भूमि मध्य प्रदेश शासन नजूल विभाग की है। ये बोर्ड लगाकर प्रशासन ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया, उनके ऑफिस को सील कर दिया। वहीं पेट्रोल देने वाली जगह को बाकायदा जंजीर से बांध के लॉक कर दिया गया है। हम आपको बता दें, रीवा शहर के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक के पास सड़क के ऊपर ये पेट्रोल पंप काफी लंबे समय से संचालित था। यह पेट्रोल पंप जिस भूमि पर संचालित था, यह भूमि नजूल की थी, संबंधित पक्ष को मिली भी थी, लेकिन संबंधित पक्ष ने कई सालों तक मिली जानकारी के अनुसार, सूत्र हमारे बताते हैं, आवंटन अपने नाम नहीं कराया, पैसे नहीं जमा किए थे, जिसके चलते मामला अदालत में पहुंचा। अदालत से संबंधित पक्ष पहले जिला अदालत से मामला हार गया, उसके बाद संबंधित पक्ष हाईकोर्ट गया, वहां से भी संबंधित पक्ष को किसी तरीके की राहत नहीं मिली। माना जा सकता है अगर निकट भविष्य में संबंधित पक्ष को यहां से राहत नहीं मिलती, हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं देता, तो ये जगह काफी चौड़ी नजर आने लगी। वजह सीधी सादी और साफ, पेट्रोल पंप यहां से हटा दिया जाएगा। बीच चौराहे पर यह पेट्रोल पंप पिछले कई सालों से स्थित है, जिसको लेकर कई बार वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई। लोगों का कहना भी था, अगर यह पेट्रोल पंप यहां से कहीं और चला जाए तो इस जगह को और चौड़ा किया जा सकता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में जाम की समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। माना जा सकता है अब जब संबंधित पक्ष को जिला न्यायालय के बाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, अगर निकट भविष्य में भी राहत नहीं मिली, तो सड़क का स्वरूप निश्चित रूप से बदल जाएगा। पूरे मामले को लेकर हमने मौके पर मौजूद एसडीएम रीवा अनुराग तिवारी से बात की, जो स्वयं मौके पर मौजूद होकर पेट्रोल पंप को बाकायदा सील करा रहे थे। उनका साफ तौर से कहना था, इस जगह को हम लोग एक बार पहले भी सील कर चुके हैं, जिला न्यायालय के आदेश के बाद आज दोबारा सील कर रहे हैं उच्च न्यायालय के आदेश से, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। बकायदा एक बोर्ड लगाया गया, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल देने वाली जगह को चैन लगाकर लॉक कर दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर एसडीएम रीवा अनुराग तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। आज ये माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आज ये पेट्रोल पंप हम लोग सील कर रहे हैं। इसमें नगर निगम और फूड की टीम हमारी इन्वॉल्व है, और इस कार्रवाई के दौरान, जैसा कि पहले भी इस पेट्रोल पंप को जिला सत्र न्यायालय के आदेश से सील किया गया था, लेकिन ये अपील में गए थे और हाईकोर्ट से वापस इनके हारने के बाद मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में फैसला होने के बाद आज पुनः इस पेट्रोल पंप को सील किया जा रहा है। ये अब किसी तरीके के दूसरे आदेश यदि नहीं होते हैं और मध्य प्रदेश शासन का पक्ष यदि बना रहता है, तो हम लोग निश्चित रूप से इसको बंद करके और इस भूमि को खाली करवाएंगे।
ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।